Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik and with me I have Animesh Nath to discuss about playing 11 and Fantasy 11 for the match between Mumbai Indians and Rajasthan Royals. This match will be played at Wankhede Stadium and it's going to be iconic for a lot many reasons. सबसे पहले तो दिस मैच विल बी द 1000th मैच ऑफ IPL, 1000 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे IPL में. एंड सेकेंडली दिस मैच विल बी प्लेड ऑन रोहित शर्मास बर्थडे एंड रोहित शर्मास टीम विल बी देयर अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स द नंबर वन टीम इन दिस IPL. वेल टू बिगिन विद लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट मुंबई इंडियंस प्लेइंग 11. तो अनिमेश क्या लगता है कौन होंगे प्लेइंग 11 में? बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अभी कुछ जाके फिट कर पाए हैं, तो वहां पर रोहित शर्मा दिखेंगे आपको कप्तान के रूप में और उसके साथ ईशान किशन और फिर कैमरन ग्रीन जो अभी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं. उसके बाद सूर्य कुमार यादव कुछ ग्लिम्स दिखे हैं कि वो अपनी वापसी कर सकते हैं. उसके अलावा टिम डेविड टी प्लेयर साबित हुए हैं MI के लिए. अब जाके उनको एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल चुका है जो उनके लिए बहुत कुछ करके दिखा रहा है. उसके बाद निहल वधेरा, कुमार कार्तिकेय, अर्जुन तेंदुलकर, रिले मेरेडिथ, पीयूष चावला एंड जेसन बेंड्रॉ. Well, we'll have to see how Mumbai Indians, you know, settle. They were playing 11, as Animesh said, कि अब जाके थोड़ा सा settle down किया है, पर क्या वो results लेकर आता है Rajasthan Royals के against या नहीं, ये देखना होगा. लेकिन वहीं बात करें Rajasthan Royals की, तो सब कुछ fit नजर आ रहा है इस team में. आपको लगता है कुछ changes होंगे? उनके पास जगह ही नहीं है कुछ भी अनफिट करने के लिए, तो किसी को ड्रॉप करना, क्योंकि सबके सब प्लेयर्स आप देखे हर मैच में किसी कोई ना कोई नया हीरो बनकर उभरता है. पिछले मुकाबले में आपको इस जो सवाल दिखे थे उससे पहले हेटमायर की अच्छी पारी दिख रही थी, उसके बाद ध्रुव जुरेल उन्होंने बेहतरीन किया. तो आपके पास स्लॉट्स ही खाली नहीं कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सके, तो बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया और उसके साथ मुझे लग रहा है कि टॉप ऑफ द टेबल हैं. हो सकता है कि ट्रॉफी के साथ भी जाएं, पिछले साल रनर अप रहे थे. या बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है. और इसी बात पर प्लेइंग 11 पर नजरें डाल लेते हैं. तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में होंगे यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, देवदत्त पडिकल, संजू सैमसन कैप्टन एंड विकेट कीपर, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, एडम जैम्पा, संदीप शर्मा एंड युजवेंद्र चहल. तो कोई चेंजेस की गुंजाइश तो लग नहीं रही है इस टीम में. बाकी देखना होगा किस तरह से मैच चलता है दोनों ही टीम्स के बीच में. पर उससे पहले हमें बात करनी है फैंटेसी 11 की, जहां पर आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं. अनिमेश क्या लगता है कौन होंगे फैंटेसी 11? यहां बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं, तो बहुत एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर भी विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपको जॉस बटलर जरूर रखने होंगे और संजू सैमसन, दोनों राजस्थान से रहेंगे, क्योंकि अभी विकेट कीपर ईशान किशन के लिए थोड़ी सी जगह बनाना मुश्किल है. कुछ पारियां देखने को मिली हैं, किस्मत का खेल हो सकता है. खैर, तब भी अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मेरी टीम में होंगे जॉस बटलर और संजू सैमसन. बैटिंग लिस्ट में मेरे पास होंगे द बर्थडे बॉय रोहित शर्मा, उनके साथ सूर्य कुमार यादव पर अभी भी भरोसा जताया मैंने, उनके साथ यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाडिकल. बिल्कुल. और ऑलराउंडर्स? ऑलराउंडर्स अभी पर यहाँ पर मुंबई का पड़ रहा भारी रहेगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन और टिम डेविड को थोड़ा सा दरकिनार करना मुश्किल है, लेकिन उनका साथ देंगे जो कह सकते हैं कि नए ऑलराउंडर बने. ऑलराउंडर खैर रैंकिंग में नंबर वन पर रहे थे ऑलराउंडर्स लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन, लेकिन अभी उनको कब, अभी तो राजस्थान के लिए ओपनिंग भी की है, चौथे नंबर भी खेलते नजर आए हैं, तो अश्विन आपके लिए अच्छे पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं. बिल्कुल. और बॉलर्स के बारे में बात की जाए तो एक नाम तो है ओल्ड इज गोल्ड, पीयूष चावला. पीयूष चावला आपको नजर आ सकते हैं इस मैच में अच्छे तरह से विकेट्स लेते हुए, तो जरूर रखिए आप उनको फैंटेसी 11 टीम में. और वहीं युजवेंद्र चहल, चहल ने काफी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए. तो ये हमारी फैंटेसी 11 टीम होगी. और आइए जानते हैं आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे. कैप्टन मैं फिर से यहाँ पर खेलना चाहूंगा एक ऑलराउंडर पर दाव, और वो सबसे बेहतरीन अभी प्लेयर बन के उभरे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो है कैमरन ग्रीन. बैटिंग से भी उन्होंने ओपनिंग की थी, अभी बीच में वन डाउन आए हैं. बैटिंग ओपनिंग प्लेयर के रूप में भी दिखे थे जब रोहित शर्मा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में खेले थे, तो वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन साबित होने वाली हैं मुंबई इंडियंस के लिए, और ये आपके लिए भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं कि कैमरन ग्रीन को अगर आप कैप्टन के रूप में चुनते हैं. उसके अलावा वाइस कैप्टन जॉस बटलर को आप दरकिनार नहीं कर सकते फैंटेसी में भी, और कप्तान और कप्तान के रोल में भी, तो मुझे लग रहा है आप उप कप्तान बना सकते हैं जॉस बटलर. बिल्कुल. और हम तो यही होप करेंगे कि जॉस बटलर एक लंबी पारी खेले और अपनी टीम को मैच जिताए, क्योंकि जैसे अनिमेश पहले बात कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स की टीम में हर एक प्लेयर मैच विनर की तरह से सामने आया है, तो इस बार क्यों ना जॉस बटलर नजर आए मैच विनर के तौर पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ. क्या होगा आगे मैच में ये तो आपको पता लगेगा जब आप लोग क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे लाइव सेशन और लाइव अपडेट्स देखेंगे. तो इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए क्रिकेट नेक्स्ट से, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.